दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत ईजी है द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्वेलेटरल ट्राइंगल इज गिवन टू यू एंड वट इज इट्स पेरीमीटर पेरीमीटर इज आस्ट अच्छा इस क्वेश्चन में क्या देखो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको हाइट मालूम होनी चाहिए ठीक है हाइट निकालने का एक तरीका भी है अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इफ दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है तीनों साइड सेम है ठीक है इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होगी दिस विल बी नथिंग बट ये जो ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर बाईस है ये इन दो साइड्स को या इस साइड को दो हिस्सों में बांटेगा सो दिस विल बी ए बाई टू एंड दिस विल बी ए बाई टू ओके अगर आप किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ओके okay, और ये ये तो हाइट आ गई एच ये हाइट है एच अगर किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस राइट एंगल ट्राइंगल में ठीक है थ्योरम लगाएंगे तो यू कैन गेट एच इन टर्म्स ऑफ ए एंड दैट विल बी नथिंग बट हाइट ठीक है थ्योरम लगाओ ठीक है थ्योरम क्या कहता है पाइथोग ठीक है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर टू का होल स्क्वायर समझ में आप लेफ्ट साइड वाला भी ले सकते हो तो ये एच है ये ए का हाफ हो गया ए बाई टू और ये ए है यहां से एच कितना आएगा दैट विल बी ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलिटल ट्राइंगल ठीक है तो यहां से एच विल बी एच स्क्वायर विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर ठीक है तो यहां से एच स्क्वायर विल गोइंग टू कम एच स्क्वा अगर आप LCM ल, ले लोगे, लोग ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है ओके और एच स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर और एच विल बी इज इक्वल टू रूट रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर ठीक है तो जो हाइट आ गई इस हाइट को हम लोग ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं ऑल्टीट्यूड तो ये जो हाइट आ जाएगी एच विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर का ए भार फोर का टू भार और रूट थ्री अंदर का अंदर ही रह जाएगा सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एन ऑल्टीट्यूड अब इसी में आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे यू विल ऑल्सो गेट यू विल ऑल्सो गेट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्वेलेटर ट्राइंगल ठीक है तो दिस इज एंड दैट एरिया इज नथिंग बट ए रूट बाई थ्री बाई फोर ओनली ठीक है इस फॉर्मूले को आपको लगाना है तो हाइट कितनी दी है मुझे ऑल्टीट्यूड दिया है रूट थ्री सेंटीमीटर तो पेरीमीटर तो निकाल लूंगा ठीक है रूट थ्री तो रूट थ्री इज इक्वल टू ए रूट थ्री बाई टू रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल ए कितना आ गया टू सेंटीमीटर सो व्हाट विल बी द दैरीमीटर ऑफ एन इक्विलेट ट्राइंगल देयरफॉर उसका जो पेरीमीटर आ जाएगा That is nothing but a plus a plus a 3a. So 3 into 2 centimeter. That will be 6 centimeter, will be the answer. Okay.